शहर में पड़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप में सड़क पर गुजरने और शहर के जनता की प्यास बुझाने निगम की सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था लचर नजर आई, जिसके चलते कहीं चालू तो कहीं आज तक उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर की जनता और सड़क पर से गुजरने वाले राहगीरों की सुविधा को देखते हुए गर्मी के दिनों में बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर शहर के मुख्य जगहों पर वाटर एटीएम लगाकर शहर की जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया, जिसके चलते दुर्ग शहर में लगभग 14 स्थानों पर वाटर एटीएम लगवाया गया, जिसमें दुर्ग महापौर से मिली जानकारी के अनुसार 11 चालू है, 3 बंद पड़ा है। गौरतलब है कि इस भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में 9 तप्पा के बाद पंचक लगा हुआ है, जिसके चलते सड़क पर गुजरने वाले लोगों को ये पेयजल सुविधा काफी राहत पहुंचा रही है। वहीं एक नजारा दुर्ग नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने स्थित लेबर कोर्ट में बने वाटर एटीएम का आज तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया है, जिसके चलते गौरव पथ और दुर्ग निगम पहुँच मार्ग पर एक भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछली परिषद द्वारा लगभग 14 वाटर एटीएम लगाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा साइज का था, आप देखते होंगे। उसके पहले जल कलश भी लगाया गया था, जो पूरे पहले से ही बंद चल रहा है। अभी जो वाटर एटीएम 14 चल है, जिसमें से 11 अभी चालू स्थिति में, और बीच में जैसे ही ख़राब होता है इसको तुरंत रिपेयरिंग भी कराया जाता है। 3 की रिपेयरिंग कार्य चालू है और अन्य 5 या 6 अभी और लगाए जा रहे हैं, जो कि छोटे साइज के हैं, जो पूरे के पूरे अभी चालू स्थिति में हैं। तो शहर में गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि दुर्ग में पेयजल व्यवस्था किसी भी प्रकार के बाहर के आए हुए राहगीरों को कोई तकलीफ ना हो। जिस तरह से इस गर्मी में लोगों को सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को पेयजल की व्यवस्था को लेकर परेशानी झेलनी पड़ी है, वही शायद आगामी गर्मी के दिनों तक दुर्ग निगम यह व्यवस्था सुधारने में कामयाब हो सके। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।